ननकी राम जी कंवर ये बोल रहे इस बीच में आय में कमी क्यों हुई? वाणिज्य कर में माननीय मंत्री जी प्रश्न सुना आपने, हल्ला हो रहा था आशा रहा है, पीने वाला थोड़ा कम हो रहा है तो इसलिए कम हो रहा है, हम लोग इसके बंदी की तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं। बहुत बहुत माननीय अध्यक्ष जी उत्तर बहुत गलत आ रहा है जी, ये नहीं बता रहे हैं कि अवैध दारू बिक्री होता है और आज भी कम से कम एक ट्रक में दारू पकड़ा गया है, मालूम है कि नहीं आपको? बताइए मंत्री जी, आप यूपी से आ रहा था माननीय अध्यक्ष जी, बता भी दे रहा हूँ आपको, ये टिकरा पारा थाना में जब्ती हुआ है। अगर ये मालूम आपको ना हो तो कम से कम कंट्रोल कीजिए जिसमें बाहर से ना आए। कल भी चर्चा में बहुत चर्चा हुई है माननीय मंत्री जी, हर विषय में आप भी बोलने की कोशिश करते हैं, अपने विभाग को संभालिए। कानून का राज है, ये आवाज जब बीजेपी वाला बिकते थे उनको बंद कर रहे हैं, पकड़ा जा रहा है, इसको पेट दर्द क्यों हो रहा है? और पकड़ेंगे जहां भी ओली में, जहां भी ऐसा धंधा होगा, हम हमारा सरकार का ये वचन पत्र है कि बाहर का दारू बेचने नहीं देंगे, उसको जेल भेजेंगे। हर कल पकड़ा तो फिर प्रमोद कुमार शर्मा ये पकड़ने की बात बोल रहे हैं, कल ही मेरे बालकोट थाना में अवैध दारू पकड़ा और 30,000 रुपया लेकर छोड़ दिया गया आपके थानेदार के द्वारा, ये आप अवैध दारू पकड़ रहे हैं। लखमा जी के विषय में इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों है आपको? इसको बने देना चाहिए, हमारा पुलिस इतना बहादुर पुलिस है, उसको कहीं भी पकड़ लेगा जेल भेज देंगे, और करने के लिए छोड़ने की बात छोड़ेगा। जिस नदी से दारू आ रही है, जिस नदी वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते आप? माननीय मंत्री जी, उनने पकड़ने का नहीं कहा, उनने छोड़ने की बात कही। बालको थाना में पकड़ा फिर 30,000 रुपए लेके छोड़ा, उसके बारे में पूछा, आपको जानकारी है तो नहीं तो मंगा लीजिए। अगर इसके जैसा अगर उसके पर्स में तो नहीं है साहब 30,000 वाला, अगर लिख के देगा तो उनको जांच करेंगे, ठीक कार्रवाई कर देंगे अगर ऐसा कहीं होगा तो। नेताजी अन्य अध्यक्ष महोदय, आज समाचार पत्रों में छपा है कि यूपी का दारू यहाँ रायपुर तक पहुंच गया और रायपुर में पकड़े। मध्य प्रदेश का दारू अभी 4 दिन पहले कोनी थाना बिलासपुर तक पहुंच गया और कोनी थाना वाले पकड़े। मंत्री जी का जवाब है कि दारू पीने वालों की कमी हो गई इसलिए राजस्व में कमी आई। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दारू पीने वाले की कमी है तो ये जो उत्तर प्रदेश का दारू है, मध्य प्रदेश का दारू है, महाराष्ट्र का दारू है और ये सब दारू आकर के छत्तीसगढ़ में बिक रहा है और उसके बाद में छत्तीसगढ़ के राजस्व की कमी हो रही है। मंत्री जी अपने अक्षमता को छुपाने के लिए ये दारू के जो सेलिंग के कमी बता रहे, पीने वालों की कमी बता रहे हैं, उसमें मंत्री जी आपके कंट्रोल के बाहर हो गया है और आप केवल जो एजेंसी जो वहां काम करने वाले लड़के के ऊपर काम कार्रवाई करते हैं कि अभी तक के जो डिस्लरी से जो 2 नंबर के दारू निकले और ये मध्य प्रदेश और बाकी के जो नाम से आप बोल रहे हैं, तो जितने कार्रवाई आपने दिखाने के लिए टोकन कार्रवाई किया आज तक किसी भी डिस्लरी के खिलाफ में आपने कोई जांच किया, कोई कार्रवाई किया? क्यों नहीं करना चाहते डिस्लरी वाले के खिलाफ में कार्रवाई? माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश का उसको बाबा का सरकार है, वो क्यों नहीं रुकता ये दरबेश? अरे तो प्लेसमेंट एजेंसी के आपके दुकान में दारू बिक रहा है, प्रश्न के जवाब में आया है और प्रश्न के जवाब में आने के बाद में आपके जब दुकान में दारू बिक रहा है उसके लिए जवाबदार कौन है? 2 नंबर का दारू आपके दुकान में रखा हुआ है, उसका जवाबदार कौन है? तो उनको आप केवल मात्र टोकन उनके ऊपर कार्रवाई करके जो उसके जो सप्लायर है उस सप्लायर के खिलाफ में आप कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहते? मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, नेताजी को मैं बोलना चाहता हूँ, अगर शिकायत करेंगे तो हम जरूर कार्रवाई करेंगे। माननीय अध्यक्ष, हमारा सरकार किसी को शर्मा किसी को मतलब माननीय अध्यक्ष करेगा तो हम जरूर करवाई। मैं इसलिए उस दिन आरोप लगाया था ये सरकार के संरक्षण में अवैध दारू बेचवा रहे हैं और अवैध दारू के बिक्री में प्रदेश का राजस्व का हानि हो रहा है और इस हानि को रोकने के बजाय ये उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, ये मंत्री जी और सरकार की स्थिति है।